ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। कम से कम 10 दिन आ गए हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा। दिन से हमारे B1 में पानी ही नहीं आ रही है, गली नंबर 11 में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। द्वारका मोड़ के सेवक पार्क में करीबन 10 दिनों से पानी ना आने की वजह से लोग काफी परेशान हैं। परेशान होने के बाद लोगों ने उत्तम नगर के नजफगढ़ का रोड जाम किया। आक्रोशित लोगों ने मीडिया समक्ष से बात करते हुए कहा, उन्हें कई दिनों से पानी को खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों के अनुसार इलाके के विधायक नरेश बालियान के पास जाने पर झूठे आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इलाका निवासियों की मांग है कि उनको द्वारका की पाइपलाइन से सप्लाई का पानी दिया जाए। उनके मुताबिक पानी जीवन का मूल आधार है, बिना पानी के कुछ नहीं किया जा सकता। और घर की बुरी व्यथित दशा का जिक्र कर दिल्ली सरकार पर प्रति भारी रोष जताते हुए आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आप बोलते हैं इसका वाल बंद उसका वाल बंद, अरे भाई दिल्ली के बॉस आप हो, ठीक है, और जल बोर्ड किसके अंडर में आता है, आपके अंडर में। आप जो उसको बोलोगे वही वो फॉलो करेगा ना। आप लोग बोलते हो कि जल बोर्ड में जाके बात करो, क्यों बात करें? और टैंकरों की राजनीति किस लिए आपने चलाई है? आपको CM किस लिए बनाया था, किस लिए चूज किया गया था? दिल्ली को बेवकूफ बनाने के लिए। जनता इतनी समझदार हो चुकी है, ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते पानी, सीट पे बैठने का अधिकार आपको नहीं है, उतर जाइए सीट से। कम से कम 10 दिन आ गए हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा, ठीक है, और हमारे किचन में जो बर्तन है ना, ऐसे ढेर लगे पड़े, उसमें कीड़े चल रहे हैं, पानी पीने को भी नहीं है। और जो ये बोतलें 20 लीटर की आती है, वो भी हम ब्लैक में खरीद रहे हैं, वो भी नहीं मिल रही है, जो वो भी 100-100 रुपए ऐसे बोल रहे हैं कि देने के लिए, वो भी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लैट्रिन बाथरूम के लिए भी पानी नहीं है, पानी खरीद कर मंगा रहे हैं, वो भी ब्लैक में मंगा रहे हैं, टैंकर के लिए बोल रहे हैं, टैंकर भी नहीं आ रहा है, टैंकर भी बोल रहा है कि 4,000-5,000 लेंगे, हम कहाँ से इतने पैसे लगाएंगे पानी में। ऐसे धरने पे बैठे हुए हैं मेट्रो के पास से हम, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जल बोर्ड के अधिकारी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब 5 बजे MLA साहब आए थे, 3 घंटे तक अपनी टोटल पूर्ति करके चले गए हैं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ, पानी का अभी कोई समाधान नहीं हुआ। द्वारका से मारीदास की रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर